स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई ए बाइनरी बी इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू ए और बी। ए और बी की हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है। राइट ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन, चलिए देखिए ऑपरेशन टेबल हमें बनानी है। यानी क्या दे रखा है तुम्हें, सेट क्या दिया हुआ है, सेट जो दिया है 1 2 3 4 5, ये सेट दिया हुआ है। और क्या दिया है, ए ऑफ बाइनरी मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी। ए और बी की हमें क्या करनी है, मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो चलिए देखिए टेबल लेते हैं, हम कैसे बनाते हैं समझना है सबको। 1 2 3 4 5, यहाँ भी लिख लो 1 2 3 4 5, यहाँ लिख दो मिनिमम ए कॉमा बी, मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो 1 और 1 में क्या मिनिमम होगा, 1, 1 और 2 में क्या होगा, 1, 1 और 3 में क्या होगा, 1 1 1। ओके, अब देखिए 2 और 1, 2 और 1 में क्या होगा, 2 1, 2 और 2 में क्या होगा, 2, 2 और 3 में क्या होगा, 2, 2 और 4 में क्या होगा, 2, 2 और 5 में क्या होगा, 2। ओके, ये वैल्यू ए हो गई, ये बी हो गई। 3 और 1 में क्या होगा, 1, 3 और 2 में 2, 3 और 3 में क्या लिखेंगे, 3, 3 और 4 में 3, 3 और 5 में 3, 4 और 1 में क्या लिखेंगे बेटा, 1, 4 और 2 में क्या होगा, 2, 4 और 3 में 3, 4 और 4 में मिनिमम वैल्यू क्या है, 4, 4 और 5 में क्या होगा, 4, 5 और 1 में कितनी होगी मिनिमम वैल्यू, 1, 4, 5 और 2 में कितना होगा, 2, 3, 4 और 5 और 5 में कितना होगा, 5। ओके, ये हमारी टेबल बन गई, कंप्लीट होती है, समझ में आ गया होगा। दोनों को देखना है, जिसमें मिनिमम वैल्यू है वो लिखनी है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट, ये सेट दे रखा है गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन टेबल। ओके, ये मल्टीप्लीकेशन टेबल जो दे रखी है, इससे हमें हेल्प लेके इसको सॉल्व करना है। चलिए देखिए समझते हैं फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है। कंप्यूट करना है 2 स्टार 3 स्टार 4। ओके, चलिए समझिए, ये ए मान लीजिए, ये बी है, 2 स्टार 3, तो ये देखिए 2 ले लिया हमने और 3 ये है, तो 2 और 3 के देखिए शीट में जाइए कितना आ रहा है, ये 1, कितना आ रहा है, ये 1, तो 2 स्टार 3 कितना आ गया, 1, यानी बाइनरी ऑपरेशन 1 स्टार 4। अब 1 और 4, 1 ये है और 4 ये है, तो कितना आ रहा है देखो बेटा, 1, तो ये आ गया आंसर 1, दिस इज आंसर। ये कंप्यूट हो गया आपका फर्स्ट एंड 2 स्टार ऑफ 3 स्टार ऑफ 4 इक्वल्स टू, बस समझना है, बिल्कुल इजी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 2 स्टार ऑफ टेबल हमें दे रखी है 3 स्टार ऑफ 4, तो 3 स्टार 4 कितना होगा, 3 और 4, 3 के सीध में जैसे आपने पढ़े होंगे, डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा मैट्रिक्स, उसमें देखते हैं 3 और 4 लिखा है, तो 1, 3 और 4 पर कितना आ रहा है, 1। अब देखिए 2 स्टार 2 बाइनरी ऑपरेशन 1, 2 और 1 तो कितना आ रहा है, 1, इसका आंसर भी कितना आ गया, 1। बस फर्स्ट पार्ट हो गया, अब देखिए सेकंड पार्ट, इज स्टार कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव आपको मालूम था क्या था, ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ऑफ ए, ये होना चाहिए कम्यूटेटिव में, यही तो था। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं और बी की वैल्यू 2 ले लेते हैं, देखिए पुट ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल्स टू 2, इसमें देख लीजिए तो कितना आएगा, 1 स्टार ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 स्टार ऑफ 1। अब देखिए 1 और 2 पर वैल्यू कितनी है, 1। ओके,
इधर देखिए टू और वन, टू और वन पर वैल्यू कितनी है वन। ओके ये देखो इस पर तो कंप्यूट हो रहा है। अब मान लीजिए अगर हम मान लीजिए ए इक्वल्स टू टू लेते हैं और बी इक्वल्स टू टू ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू टू और बी टू स्टार टू, तो टू स्टार टू, टू और थ्री लेते हैं, अगर थ्री और टू लेंगे, थ्री और टू तो वैल्यू कितनी वन, और टू और थ्री लें तो अभी वन। इसका मतलब क्या है, हेंस स्टार इज कम्यूटेटिव। सो स्टार इज क्या लिख देंगे हम, कम्यूटेटिव। ओके यही तो पूछ रहा है, यस हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा यस। हमने ये आपको प्रूफ करके दिखा दिया। कंप्यूट द, ये थर्ड पार्ट इसका देखिएगा, थर्ड पार्ट क्या है बेटा, कंप्यूट थर्ड पार्ट लिखते हैं हम इसका, टू स्टार ऑफ थ्री स्टार ऑफ फोर स्टार ऑफ फाइव। तो टू स्टार ऑफ थ्री, देखिए टू और थ्री, टू और थ्री कितना आ रहा है वन, ये देखो वन, तो यहाँ वन लिख दो। स्टार ऑफ फोर फाइव कितना लिखना है हमें, फोर और फाइव, वन मिनट। देखिए बेटा तो हमें क्या लेना है, ये टू स्टार थ्री वन आ गया, फोर स्टार फाइव, फोर और फाइव पर कितना आ रहा है वन, वन आ गया। ओके अब वन स्टार वन, वन स्टार वन कितना आएगा वन, स्टार को हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन, तो कितना आ रहा है ये आपका, कंप्यूट करना है तो वन, इसका आंसर कितना आ गया वन। दिस इज़ माई राइट आंसर। क्वेश्चन थर्ड एंड फोर कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट, यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में अवश्य पूछें, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।